स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक परिवहन सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। ऐसे में मेरा मानना है कि बसें खूबसूरत हो और छोटी हो। ये बात शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने धर्मशाला में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि विभाग को आदेश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक बसें HRTC या जिस भी माध्यम से खरीदी जानी है वो खूबसूरत और छोटी हों, जिससे शहरवासी इसका भरपूर लाभ ले सकें। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है स्मार्ट सिटी के लिए जो जरूरी है वो मैंने विभाग को आदेश दिए हैं कि जो भी बसेस लेनी होंगी, चाहे वो HRTC के माध्यम से ले रहे हैं या जो भी डिसाइड किया उन्होंने, पर वो बसेस खूबसूरत हो वे मेरा रहेगा और छोटी बसेस हो ताकि वो धर्मशाला में बखूबी दौड़ सके। हमारी जो रोड्स की कंडीशन है या हिल ट्रेन है उसके माध्यम से वो बसेस खरीदनी है। मैडम, जो आपने बताया, सरवीन चौधरी ने कहा कि हम सब पार्टी के पहरेदार और कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी जो जिम्मेदारी देगा उसे सभी निभाते हैं और निभाएंगे। उन्होंने दावा जताया है कि लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर भाजपा काबिज होगी। उन्होंने केंद्र की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाई है। वहीं प्रदेश की जयराम सरकार भी विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। ऐसे में भाजपा का चारों सीटों पर जीत दर्ज करना तय है। जनता पार्टी के पहरेदार हैं और कार्यकर्ता हैं और जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिशा में भी किसी को ले जाना चाहेंगे, चाहे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ पे 4 सीटें हैं, जो आदेश देंगे उसके भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं पूरे प्रदेश के लोग जो हैं उनके पीछे चलेंगे और सीट चारों की चारों हैं वो भाजपा के पक्ष में होंगी, क्योंकि लोगों ने सरकार में भी काम करवाया, बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों को देखकर सभी जो प्रदेशवासी हैं भाजपा के पक्ष में चलेंगे और हम अपने प्रदेश की बातें रखेंगे। आयोजित बैठक को लेकर सरवीन चौधरी ने कहा कि बैठक में बेहतर चर्चा हुई है। सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए तथा विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आवास योजना का हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर कार्यों में IPH और लोक निर्माण विभाग की जवाबदेही अधिक होती है। ऐसे में अधिकारी भी जन समस्याओं के निपटाने के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे लगता है बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई इस बैठक में, क्योंकि यहाँ पर सरकारी सदस्यों के साथ गैर सरकारी सदस्य जो है नॉमिनेटेड जो हमारे प्लानिंग के रहते, जो जनता से जुड़ के सीधा लोग आते हैं और जनता की समस्याओं को यहाँ पर उजागर करते हैं, तो उनके क्लोज क्वेश्चन जो होते हैं, उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम अधिकारियों के माध्यम से जो है उसको पूरी तरह से उनके ध्यान में ला के इम्प्लीमेंट करवाने की बात कहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लोग आजकल बहुत अवेयर हैं और आजकल हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई स्कीम दी या कुछ दिया डिले हो गया या कैसे हुआ या हमें कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए या हमारा नाम जो है मकान में नहीं आया या किसी चीज में नहीं। आजकल गूगल मैपिंग हर जगह हो रही है। केंद्र में जो मकान दिए जा रहे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 तक जो है टारगेट है हाउसेस फॉर ऑल, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें किसी ने फार्म नहीं भरना, कुछ नहीं अप्लाई करना है सिंपल पेपर के ऊपर और गूगल के द्वारा ही देखा जाएगा कि क्या कलर है, कच्चा है, पक्का है, कौन है और उसमें इतना जियो टैगिंग कर दी है कि जो भी डिजर्विंग होंगे उनको सबको जो है पूरे भारतवर्ष में मकान मिलेंगे। अगर कोई अप्लाई नहीं करता तो उनका अपना कसूर हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से जो खुले मन से जो है जो गरीब है जो डिजर्विंग है उसको मकान दिए जाए। और ये एक मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जिस तरह से हर जगह पे गूगल का उपयोग किया है, ई टेंडरिंग की बात जैसे चलती है या वेबसाइट के माध्यम से सारे एप्लीकेशन आते हैं, उसका फायदा जो है इस देश की जनता को बहुत बड़ी मात्रा में होने पड़े। और कुछ विभाग हैं, IPH हो गया, PWD हो गया, ये ऐसे विभाग जिनकी जवाबदेही ज्यादा रहती है और इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली जो है देना पड़ता है और अधिकारियों ने भी बहुत बखूबी बहुत सुंदर तरीके के साथ उन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया
और जितनी भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं जो है हमने अधिकारियों के ध्यान में लाई, और अगली मीटिंग में मुझे लगता है और अच्छे तरीके से लोग तैयार होकर आएंगे।